यारो का तशन है। हाँ तो देखो क्या है कि हम लोग आपका स्कूटर लेके आ गए, यहाँ पे पार्क कर दिया है। अब आप लोग अपना स्कूटर संभालिए। थैंक यू। अरे सर क्या बात है, आप हमारा स्कूटर वापस देकर आ गए अचानक। कहीं ये स्कूटर ने आपकी बैंड तो नहीं बजाई? अरे ना ना ना, स्कूटर क्या बैंड बजाएगी मेरी है? अरे क्या आप बच्चे लोग कल वहाँ आए थे है? तो हमने सोचा कि बच्चों का दिल रखना चाहिए, हमको दया आ गई तो हमने सोचा स्कूटर दे दे। थैंक यू एंटीक वाले सर, आपने चतुर्वेदी अंकल का स्कूटर लौटा दिया, अब यार उसको स्टार्ट करेगा। बस हमारा प्यारा स्कूटर लाजवंती, तुम हमको छोड़ के कहाँ चली गई थी? तुम्हारे याद में हम बिल्कुल ठा हो गए थे। जीजू अब तो ठीक हो गए, खुश हो? रख ये लो मार, तुम्हारी मैं ठो करके रहूंगा, समझे ना? तुम टकले तलाट। ए इधर आ। ए गंजे, ऐसा है ना, चोरी के इल्जाम है बेटा, हम तुम्हें पुलिस के डंडे लगवाएंगे। इधर तुम्हारा है ना, यूं यूं जो कर रहे हो ना, कि यूं करोगे तुम। अरे चतुर्वेदी जी, अब आपको अपना स्कूटर मिल गया ना, तो क्यों पीछे पड़े हो, जाने दो ना अब इस बात को। जरा ए राहु केतु, ऐसा है ना, हमारा दिमाग मत खराब करना तुम दोनों। तुम दोनों ना एक नंबर के कुलच्छनी हो, हम तुम्हारी ठोक करके रहेंगे। हाँ ए भूख क्यों रहा है? क्या है? यारो का फ्रेंड। ये तो हमको ही देख रहा है। ये देख ही नहीं रहा है, ये घूर रहा है। इतना थक रहे हो तो मेरे पापा के पास जाके डोले लगवा लो, जैसे मेरे पापा ने मेरी बॉडी बनाई। यारो अगर ऐसा ही करना होता तो ये डोले क्यों लगवाता, दिमाग लगाता ना, डोले तो फिर भी हैं इसके पास। अरे यार बकवास बंद करो तुम दोनों, ये पानी पास कर मुझे दे। ले। ओ वाओ। बिल्कुल शर्म से पानी पानी कर दिया। अरे यार। यारो वो आज ना मैंने अपना तौलिया धोया था, वो अभी तक सूखा नहीं है, तो तू मुझे सुखा देगा क्या? ओके। सुखा दिया रे। थैंक यू यार, तूने मुझे सुखा दिया, तू ही मेरा भाई है। हाय गाइस। हाय हाय। ओ बेरोजगारों, आज ना मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों की फूड बैंड में हाथ बटा दूं। ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी, आराम से सुनाऊंगा, समेटते समेटते।
चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ओके अमर प्रेम, शिल्पी कुछ पूछ रही है कि वो कैसी लग रही है। यारो को तो लग रहा है कि वो हूर की परी लग रही है। तुम लोगों ने देखा यारो ने क्या किया? क्या? यारो ने मुझे आंख मारी। ए चलना यार। आंख मारने का मतलब समझते हो? आंख मारने का मतलब है यारो मुझे पसंद करने लगा, वो मुझ पे लाइन मार रहा है। अरे शिल्पी माना यारो लोहे का है पर दिमाग है उसके पास। हाँ वो तो है। एक मिनट, क्या बोला तू? पकड़ो उसको, मार दो, छोड़ना नहीं। यारो को क्या हो गया? मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया तो पलट के मुझे कैसे विश कर रहा है? गुड मॉर्निंग डॉली। हाँ इसको भी आंख मारी। या तो यारो अंधा हो गया है ये अच्छी चोरा हो गया। ए अग्रवाल साहब। अरे बीना जी। अग्रवाल साहब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी हो के आइंस्टाइन से ही हो गई हो। पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं आप इन किताबों में दिन रात, बना बना के कुछ नया बना रहे होंगे जरूर। अरे बीना जी कुछ भी नया नहीं बना रहा हूँ, जब तक बनाया है ना उसको बचाने के लिए काम करता रहता हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि जब से वो यारो को वॉशिंग मशीन से प्यार हुआ था ना तब से मैं बहुत डर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसी गड़बड़ दोबारा हो, बस ऐसी ग्लिचेस को बचाने के लिए रिसर्च करता रहता हूँ। पापा मम्मी। आओ बेटा आओ, क्या बात है, आज क्या नया है तुम्हारी लाइफ में बेटा? नया दिन है, नई तारीख है, नई रात होगी, नई बात होगी, और तो कुछ नया नहीं है पापा। अरे वाह, बिल्कुल इंसानों की तरह इशारेबाजी करने लगे हो। समझ गया समझ गया, मेरा बेटा अपने पापा से कुछ बॉय टू बॉय टॉक करना चाहता है और वो भी अकेले में। बॉय टू बॉय टॉक मतलब मैं भी यहाँ हूँ ना? मेरा यारो मुझसे छुपा छुपा के कुछ नहीं छुपाता है ना यारो? हाँ मम्मी, यारो आपसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाता है, ना ही कभी छुपाएगा, और मुझे पापा से बॉय टू बॉय वाली टॉक नहीं करनी थी। यारो देख लिया मैंने, वो जो इशारा किया था ना वो देख देख के देख लिया मैंने। चाह यारो मम्मी अब तुझसे कर करके बात नहीं करेगी। यारो की मम्मी नाराज हो गई। हाँ मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी। मम्मी बच्चों की आंखों का तारा होती है, संसार सारा होती है, मम्मी के बिना लाइफ बोर हो जाएगी। फीकी फीकी। बस 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 कर, मान गई मम्मी। थैंक यू मम्मी। एक बात याद आई, पापा जैसे मेरी मम्मी इतनी प्यारी राज दुलारी है, ऐसे आपकी मम्मी प्यारी राज दुलारी कहाँ पे है? अरे यार तुमने तो आज मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरी माँ तेरी दादी कहाँ है ये तो दुनिया में कोई भी नहीं जानता, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। पता नहीं बेटा मेरी शादी के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई। उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पापा दादी घर से कहां भाग गई? बेटा पता नहीं, उनको बस घूमने फिरने का बहुत शौक था, बहुत जल्दी बोर हो जाती थी। पता है जब उनकी शादी हो रही थी मेरे पापा के साथ तो जैसे ही फेरे खत्म हुए ना फेरे, हनीमून के लिए भाग गई उनको लेकर। और उसके बाद हर एनिवर्सरी पे मेरे पापा को लेकर कहीं भाग जाती थी ये बोल के कि मैं बोर हो रही हूँ। पापा आपने दादी में भागने वाला सॉफ्टवेयर इतना अपडेट कर दिया था कि वो बार बार भाग जाती थी। लेकिन यारो को और बताओ और दादी क्या करती थी? बेटा तुम्हारी दादी जैसा इस दुनिया में ना तो कोई है और ना हो सकता है।
वो एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक। इतनी शरारती कि उनकी शरारत के किस्से सुन सुनकर तो हम बड़े हुए। तुम्हारी दादी एक तूफान थी, तूफान तूफान थी, तूफान। लो माँ जी, पहुंच गए हम। अरे बेटा, हमारे घर में हमारी शिकायतें कम और हमारी माँ की शिकायतें ज्यादा आती थी पूरे मोहल्ले भर से। बल्कि यूं कहूं कि हमारे घर में तो वो एक बड़ी उम्र की छोटी सी बच्ची थी। अरे माँ जी, आपका स्टॉप आ गया, बहुत सोच आ जाए, उतर जाइए। अबे ओ ढक्कन, तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पांव में मोच आएगी बुड्ढे? बुड्ढा? आप इस उम्र में ऐसी उछल कूद कैसे कर लेती हो माँ जी? पहली बात तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं हूँ दादी, दादी कूल। क्या हूँ? दादी कूल। हाँ, और इस दादी कूल ने किसी से डरना वरना चिखना चिल्लाना तो सीखा ही नहीं। चल अपना लाइसेंस निकाल। लाइसेंस क्यों? अबे ढक्कन, मैं अपना सामान खुद थोड़ी उठाऊंगी। सामान को उठाने के लिए मुझे कोई आदमी लाना पड़ेगा ना, और मैं आदमी अंदर लेने गई सामान उठाने के लिए, तू अगर पीछे से मेरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गया तो ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। चल लाइसेंस दे। आपके जैसी आंटी। आंटी? मेरा मतलब है दादी कूल, मैंने आज तक नहीं देखी। अरे देखने को मिलेगी भी नहीं बेटा। शरारती तो वो थी ही, लेकिन जिस बात को लेकर पूरे मोहल्ले में मशहूर थी वो था उनका दिमाग। मैथ्स और साइंस की जीनियस थी। चल इसी बात पर खुश होकर ना, मैं तुझे अच्छा सा ज्ञान देती हूँ। तू दिन में 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहेगा ना, तो सुन, पहले ये जो तू गाड़ी को ब्रेक लगाकर एक्सीलेटर पे पाव रख के गर गर करके पेट्रोल चलाता है ना, वो बंद कर दे, और अपनी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा से ना एक रेगुलर स्पीड रख दे, कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल। तेरी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर स्पीड का एवरेज देती है और तू दिन में 200 किलोमीटर चलता है तो ढक्कन दिन में तूने कितना कमाया? अबे घोचू पूरे 200 रुपए। और देख, दादी कूल का एक असूल है, वो किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं देती, सो इसलिए आज जो टैक्सी का भाड़ा हुआ है ना, वो तू अपनी जेब से दे देना। और बेटा पते की बात तो ये है कि अगर वो ऐसी जीनियस ना होती तो मैं कभी साइंटिस्ट ना बना होता, और अगर मैं साइंटिस्ट ना बना होता तो यारो ना बना होता। पापा, इसका मतलब यारो अपनी दादी से बना है। करेक्ट। काश यारो अपनी दादी को मिल पाता, काश पापा ने दादी में भी ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता तो यारो अपनी दादी को ढूंढता और अपनी दादी से जाके मिलता। अरे यारो, बोल देना। ओके। बच्चे स्टोरी की तो मैं मास्टर हूँ, निशाना कैसे चुकेगा? पोपो, आज तुम लोग सितोलिया क्यों खेल रहे हो हाथ से? फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे लात से? यारो वो देख,
हमारी फुटबॉल पैर पे अटक गई है। यारो, प्लीज हमारे लिए वो फुटबॉल उतार दे। ओके। एक मिनट। अबे आंटी होगी तेरी माँ, मैं तो दादी हूँ, दादी कूल। अरे वाह, यारो आज अपनी दादी से मिलना चाह रहा था। दादी तो नहीं मिली, लेकिन दादी कूल जरूर मिल गई। दादी कूल, यारो को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पर मुझे तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। दादी कूल का एक असूल है, वो कोई भी काम ना फ्री नहीं करती। इसलिए मैंने जो काम किया है ना, उसका इनाम मुझे दे दो। बच्चों, तुम लोग की जेब में जो चॉकलेट है वो मुझे दे दो। कम ऑन, जल्दी जल्दी से दो। अरे कम ऑन। चलो तुम भी निकालो, तुम्हारे पास चॉकलेट नहीं है। कम ऑन, निकालो निकालो अपनी जेब से। Yes, all of you. Okay, चलो तुम भी जाओ। यारो टॉफी चॉकलेट नहीं खाता। लेकिन दादी कूल, आप जैसे बड़े लोग तो हम जैसे बच्चों को चॉकलेट देते हैं, लेकिन आप तो ले रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते नैतिक पोपो। हो सकता है दादी कूल को भूख लगी हो, इसलिए टॉफी चॉकलेट खाना चाहती हो। कोई बात नहीं दादी कूल, यारो के पास फूड ट्रक है, जहाँ पे यारो लोगों को बहुत अच्छा खाना बना के सर्व करता है। चलिए आपको वहाँ पे पेट भर खाना खिलाएगा यारो। चलो चलिए। 1 2 3 4 पेट में जो है कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खाना पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनका थोड़ा ध्यान बटा दो, इनका थोड़ा ध्यान बटा दो, खाने का एक डोज खिला दो। बाबा बाबा यहाँ आना, क्योंकि बनाया मैंने। हाँ ठीक है, हम तेरे साथ दे रहे थे, भूल मत। गाइस गाइस गाइस, ये यारो किसके साथ आ रहा है? बाप रे यार, आंखें मार मार के इसने एज की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। यारो न्यू फ्रेंड। अमर, प्रेम, शिल्पी, डॉली, ये दादी कूल हैं। दादी कूल ये मेरे दोस्त हैं, अमर, प्रेम, शिल्पी, डॉली। अरे अरे अरे, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हाय हेलो कहो, शेक हैंड करो, बुड्ढे हो गए हो क्या? कमन शेक हैंड। कम ऑन। नहीं नहीं, हाय हाय हेलो हाय हेलो दादी। मैं जब आ रही थी तो मैं सुन रही थी तुम लोग कुछ गाना गा रहे थे ना। हाँ जी, हम फ्रेंड्स लोगों ने ना कुछ दिनों पहले ही ये फ्रेंड्स फास्ट फूड स्टार्ट किया है, इसके लिए स्पेशल थीम सॉन्ग और थीम डांस प्रिपेयर किया है, आप सुनेंगे? 1 2 3 4 अरे बस बस बस, ये कौन से पुराने स्टाइल से गा रहे हो? आजकल की कोई लेट स्टाइल से गाओ। देखो, पेड़ पे चूहे कूद रहे हैं, ये क्या शोपीस के लिए रखा है तुमने? बजा बजा। हाँ हाँ बजा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना खाना पूछ रहे हैं, इनका थोड़ा ध्यान बता दो, खाने का एक डोज दिला दो। नाइस। लेकिन दादी कूल का एक असूल है भाई, दादी कोई भी काम फ्री में नहीं करती। जल्दी से मुझे एक बर्गर डर्गर खिला दो। चलो राहु के तू इधर आ। एक मिनट एक मिनट, क्या ठोपना मचा रखे हो तुम लोग? अब क्या टोपना मच गया टू अंकल? हमने तुमसे कहा था ना कि अपने इस ठेले का कचरा हमारी सोसाइटी में मत फैलाओ, वरना तुम्हारी ठोकर के रख देंगे। चतुर्वेदी जी,
एक तो ये ना ठेला नहीं है, ये फूड वैन है, फूड वैन। हाँ। और ये जो कचरा है ना वो कचरे के बैग में पड़ा है, रख देंगे रात को हम लोग। देखो ऐसा है ना, हर 10 मिनट में यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, और नहीं तो अपना ये उबुक तुबुक हटाओ और यहाँ से पोलो हो। पोलो कहने का मतलब हमारा यहाँ से फूट लो। कौन है ये? मोहल्ला के इसके पापा का? ये चतुर्वेदी अंकल हैं, सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मुंह क्या ताक रहे तुम लोग हमारा? हाँ? तो ताला लाओ, फटाफट लगाओ इसमें। अरे ओ चिलगोजे, अरे ओ चिलगोजे, ओ चिलगोजे, ओ चिलगोजे, अपना नॉइस पोल्यूशन बंद कर। कौन है आप जो है? ये क्या ठो है? हिटलर मैडम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.